दोस्तों, HCL एक्सपोर्ट करने के लिए तेजस का एक नया वेरिएंट डेवलप करने जा रहा है, जिसे कि तेज एक्स यानी कि तेजस ई एक्स वेरियंट कहा जा रहा है। HCL तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का एक नया वेरिएंट बनाएगी, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट की डिमांड को दिमाग में रखकर बनाया गया है और इसे तेज ई एक्स के नाम से मार्केट किया जाएगा। हर्षवर्धन ठाकुर जो कि HCL के टेस्ट पायलट हैं, उन्होंने इसकी डेवलपमेंट को कंफर्म किया है। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कंफर्म किया है कि इस नए फाइटर जेट में लोकल सेंसर्स और वेपन्स होंगे और ये नए लोकल वेपन्स और सेंसर्स इंपोर्टेड सिस्टम्स जो कि पहले तेजस मार्क 1 में लगे हुए थे उन्हें रिप्लेस करेंगे। हालांकि HCL ने ये रिवील नहीं किया है कि तेजस ई एक्स में कौन से सिस्टम्स रिप्लेस किए जाएंगे या सब्सटीट्यूट किए जाएंगे, लेकिन कुछ साल पहले ये जानकारी आई थी कि तेजस मार्क 1 का एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेसलाइन वर्जन बनाया जाएगा जो कि इजरायली और रशियन वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेगा और उन्हें इंटरेस्टेड कंट्रीज के हिसाब से ही कस्टमाइज किया जाएगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि उन्हें रशियन सिस्टम्स मिले और कुछ कंट्रीज ये नहीं चाहती कि उन्हें इजरायली सिस्टम्स मिले, और कुछ कंट्रीज के लिए ये बिल्कुल उल्टा है। वो चाहती हैं कि उन्हें रशियन सिस्टम्स ना मिलें और उन्हें इजरायली सिस्टम्स मिले, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक ऐसे वेरिएंट की डेवलपमेंट शुरू की जा रही है जिससे कि कंट्री की रिक्वेस्ट के हिसाब से ही कॉन्फ़िगर किया जाए और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसमें वेपन सिस्टम और सेंसर्स लगाए जाएं। तेजस ई एक्स में हर एक सेंसर और वेपन सिस्टम के लिए एक लोकल या सब्सिट्यूट ऑप्शन होगी। इसमें एक इंडो इजरायली डिवेल्प्ड MMR रडार होगा जो कि एल्टा की ELM-2032 रडार के ऊपर बेस्ड होगा और ये इस एयरक्राफ्ट के मेजर ए टू एयर मिसाइल्स जैसे कि डर्बी और R-73 को रिप्लेस करते हुए अस्त्रा और AS रैम मिसाइल जैसी रैम्स को फीचर करेगा। और अगर रिक्वेस्टिंग कंट्री ये चाहती है कि उन्हें वेस्टर्न सिस्टम चाहिए तो इसमें वेस्टर्न वेपन सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं। तेजस ई एक्स को पोटेंशियल एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ऑफर किया जाएगा जिन्हें कि इसके मेन सेंसर्स और वेपन पैकेज में मल्टीपल ऑप्शंस दी जाएंगी, ताकि कस्टमर को ये पूरी आज़ादी हो कि वो चुन सके कि उसे कौन से वेपन सिस्टम्स और सेंसर्स चाहिए। इंडिया के पास सभी रशियन और वेस्टर्न वेपन सिस्टम और सेंसर सिस्टम होने के कारण और इंडियन टेक्नोलॉजी होने के कारण कस्टमर्स के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि उन्हें हर तरह के सिस्टम्स चुनने का मौका मिल सकता है और ये HCL तेजस के लिए एक मेजर सेलिंग पॉइंट हो सकता है। तो अभी देखना ये होगा कि इंडियन एयरफोर्स को और HCL को इस फाइटर जेट के लिए कितने ऑर्डर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।